हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का हमारे एस के इलेक्ट्रिक वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये वाला जो है इन्वर्टर हमने जो है 5 KVA का इंस्टॉल किया है और इसे हमने जो सक्सेसफुली जो लगा दिया है। आज बाहर का जो मौसम है दोस्तों वो बिल्कुल ही ख़राब है और देख सकते हैं अभी आप इसके अंदर 300 वाट का लोड चल रहा है और बाहर जो है धूप बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से हमने सारी वायरिंग ली है DC की और AC की। तो चलिए एक बार जो मैं आपको बाहर जाके बाहर का मौसम दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाला इन्वर्टर लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी भी जो है बैटरी चार्जिंग हो रही है और ये बिल्कुल अच्छे से बैटरी चार्ज कर रहा है। तो आज हमने जो ये इन्वर्टर इंस्टॉल किया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये फैन चल रहा है। हमने जो है पूरे घर की जो है लाइट काट रखी है। तो चलिए एक बार चलते हैं, आपको मैं जो है सोलर पैनल दिखा देता हूँ। आज देखिए ये बाहर का व्यू देख सकते हैं, पूरे बादल हैं चारों तरफ। अगर आप नज़र घुमा के देखेंगे तो जो है आज बिल्कुल मौसम पूरा ख़राब है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है। अगर किसी भाई का डाउट है तो बिल्कुल क्लियरली जो है वीडियो के अंदर देख सकता है। तो सोलर पैनल यहाँ पे लगे हुए हैं, 10 पैनल है और 10 पैनल से जो है अभी लगभग जो इसका 500 वाट का लोड चल रहा है विदाउट, देख लीजिए विदाउट धूप के 500 वाट तक हमने लोड चलाया है। और ये जो इन्वर्टर हमने इंस्टॉल किया है ये नारनौंद जो है सिटी है, वहाँ पर हमने इंस्टॉल किए। चलिए एक बार हम जो है छत के ऊपर चलते हैं और आपको जो है मैं टोटल सोलर पैनल दिखाता हूँ कितने लगे हैं। यहाँ से मुझे चढ़ना पड़ेगा, दिखा देता हूँ आपको मैं। तो वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए यहाँ से हमने DC केबल लिया है यहाँ से और ये देख लीजिए ये टोटल पैनल लगे हैं हमें यहाँ पे। 2 पैनल यहाँ पे हैं, 3 पैनल वहाँ पे, 3 वहाँ पे और 2 ये रहे, ठीक है। और अभी ये थोड़ा सा इन्होंने जहाँ से पैनल इंस्टॉल कराया उन्हें थोड़ा पता नहीं था, ये 2 पैनल यहाँ पर लगाने थे ताकि जो है छाएँ इधर ना आए। तो देख लीजिए ये रहे पैनल, ठीक है, 2 पैनल लिए हैं, 3 3 पीछे लगे हैं और 2 ये लगे हैं, 3 और 3 6 और 2 ये 10, टोटल 10 पैनल लगे हैं और 335 वाट का जो है एक पैनल है। मैं एक बार जो है इनकी टोटल आपको जो है डिटेल दिखा देता हूँ। नीचे ये देख लीजिए ये 335 वाट का एक पैनल है और जो है इसकी 46 वोल्ट 46.18 46 वोल्ट के करीब ये है इसका, ये है वोल्टेज। और इन्होंने जो है ये नए पैनल परचेज किए हैं और हमने ये देख सकते हैं लोकेशन, अभी देखिए आप बाहर, आपको दूर दूर तक जो है सूरज नज़र नहीं आएगा, कहीं पे भी आपको जो है सूरज नज़र आने वाला नहीं है। तो हमने इस मौसम के अंदर है जो ये सोलर इंस्टॉल करवाए और हमारा इन्वर्टर चल रहा है। अभी हम नीचे चलते हैं, नीचे जा के देखते हैं। और ये जो व्यू देख रहे हैं आप, ये नारनौंद सिटी है, वहाँ का व्यू है ये। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और नीचे चल के आपको जो दिखाते हैं लोड कितना चल रहा है और इस मौसम में हम कितना लोड चला सकते हैं। तो दोस्तों ये इतना लोड चलाने की जो है कैपेसिटी इस इन्वर्टर के अंदर इसलिए है क्योंकि ये ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी है, मेड इन इंडिया है, हमारा खुद का बना हुआ इन्वर्टर है। तो चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी हम इस कूलर को चलाएँगे और दिखाते हैं आपको। और घर का जो है टोटली फैन चल रहे हैं और हम नीचे जाएंगे, फैन भी दिखाएंगे आपको जो चल रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको लोड चेक करवा देता हूँ। दोस्तों देखिए अभी इसके अंदर जो है 300 वाट का लोड चल रहा है, 300 वाट का, और मैं नीचे जाता हूँ और आपको फैन चेक करवाते हैं। तो चलिए सर एक बार जो नीचे चल के मुझे फैन दिखा दीजिए, जो जो चल रहा है आइटम मैं वीडियो में ताकि कवर कर लूँ। ये हमारे कस्टमर हैं जो कि नारनौंद सिटी से हैं, जिन्होंने ये सोलर इन्वर्टर जो है इंस्टॉल करवाया है, हमारे से परचेज किए हैं। ये भी इन्वर्टर हैं बट इसकी जो है बैटरी ख़राब हो चुकी है, इस इन्वर्टर को हमने बाईपास कर दिया है, अदरवाइज जैसे भी है इन्वर्टर हमारा काम करता रहता है, ठीक है। एक बार मैं व्यू दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये सामने 2 रूम हैं और रूम काफ़ी बड़े बड़े हैं, स्टार्टिंग हम इस रूम से करेंगे। यहाँ पे देखिए फैन चल रहा है यहाँ पे, ये देख लीजिए, ठीक है, लाइट तो चला दीजिए आपकी इच्छा चलानी है तो, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम दूसरे रूम के अंदर आपको जो है हम दिखाते हैं जो फैन चल रहे हैं। ये वाला फैन हमने मैंने बंद करवाया था, आप चाहे तो इसे चला दीजिए कोई दिक्कत नहीं, ऑन कर दीजिए इस फैन को भी, बाहर वाले फैन को भी आप ऑन कर दीजिए। तो ये जो है बिना सूरज के हमने इतना कुछ चला रखा है, जब धूप होगी तो देख लीजिए कितना जो है आपका लोड ये उठाएगा। तो चलिए और फैन दिखा दीजिए कहाँ चल रहे हैं सर, इस रूम में लाइट ऑन करिए जरा सर एक बार। तो ये देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा रूम है और
ये दो फैन यहाँ पे चल रहे हैं, बिल्कुल हमने पहले से चला के छोड़े हुए हैं। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि विदाउट बिना धूप के आपका घर का जो लोड है नॉर्मली वो चल रहा है, बेस्ट है ना, अच्छा लगा आपको? चलिए तो फिर और फैन कहाँ चल रहे हैं सर? एक रूम है, एक ही है फैन, ठीक है जी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये फैन चल रहा है और मैंने टोटल आपको जो है टोटल दिखा दिए। तो दोस्तों ये फ्रिज भी हमने ऑन कर रखा है, कस्टमर ने ऑन किया था, मैंने ही बताया। तो देखिए ये फ्रिज जो है ऑन है, बिल्कुल चल रहा है। और ये फ्रिज जो है LG कंपनी का है और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का है, ये देख लीजिए 10 ईयर वारंटी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का। और यहाँ से देखेंगे स्विच से जो है फ्रिज ऑन है। तो दोस्तों इनका जो है अभी बिना धूप के पूरा लोड चल रहा है। और जब आप सोचिए कि हमारा पूरा सिस्टम चलेगा जब धूप रहेगी तो कितना लोड उठाएगा, तो हम दोस्तों जो है 10 प्लेटों के ऊपर 330 वाट की 12 एम्पीयर तक का जो लोड सपोर्ट करवा देते हैं हम अपने वाले इन्वर्टर से, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आप ये इन्वर्टर लेना चाहते हैं, इन्वर्टर बाय करना चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल नंबर रहेगा 9919326705, 9919326705, ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नहीं तो इन्वर्टर जो है आप हरियाणा करनाल आके ले भी सकते हैं, ये देख लीजिए। अब नीचे मैं फैन ऑन करके आया हूँ तो लोड देख लीजिए 310 वाट का चल रहा है। अब मैं इसके ऊपर जो है कूलर ऑन कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, फैन यहाँ भी चल रहा है तो कूलर ऑन कर दिया मैं। देखिए वहाँ से ऑन करता हूँ मैं, ये कूलर चल गया है और अभी लोड देखेंगे हम कितना इन्वर्टर के अंदर और इस मौसम के अंदर। देख लीजिए ये अभी देखिए 540 वाट के करीब लोड चला गया और हमारा DC वोल्ट जो है ये डाउन होना शुरू हो चुके हैं। जब हमारा कूलर जो है रफ्तार पकड़ लेगा, चल जाएगा, तो हमारे वोल्टेज रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। ये है हमारा विदाउट बैटरी सोलर इन्वर्टर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो देखिए कूलर चल रहा है बिल्कुल अच्छे से।